हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आज बताने वाली हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, इस ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उस ट्रिक्स इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इजी से कैसे इजी सॉल्व करना चाहिए, कौन सा ट्रिक्स तुमको अप्लाई करना चाहिए, वो ट्रिक्स आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ना, रूट कितना टाइम्स है, देखो यहाँ पर 2 2 2 2 2, कितना टाइम्स 2 है, 6 टाइम 2 है। रूट कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइम्स स्क्वायर रूट है। तो इस टाइप प्रॉब्लम को कैसे इजी सॉल्व करना चाहिए, बहुत इजी ट्रिक्स है, जो ट्रिक्स के ट्रिक्स अप्लाई करके तुम इजी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कैसे, कौन सा ट्रिक्स है, सो माय डियर स्टूडेंट, तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो कौन सा ट्रिक्स आज बताएंगे। तो पहले नंबर यहाँ पर देखो, 2 कितना, 2 है, नंबर कितना है 2, इसलिए तुमको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो रूट है ना, ए 2, ए 2 दे कितना, इसका 2 का रूट क्या है, 1। ए रूट क्या है, ए रूट 2 का भी है, रूट 2 का भी है, ठीक है। तो रूट इस रूट है ना, इस रूट 2 रूट 2 का है, इस रूट किसका है, 2 रूट 2 रूट 2 का है, इस रूट किसका है, 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 का है। तो इसलिए तुमको इस टाइम क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो 1 लिखो, यहाँ पर 1/2 to the power, रूट का मतलब ही है हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर देखो जो रूट है ना, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखो, 2 to the power 6, ठीक है। उसके बाद लिखना, क्या लिखना चाहिए, 1/2 to the power, कितना टाइम्स, ये 2 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट 2, इस 2 का कितना रूट कितना टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 5 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर देखो 1/2 to the power, इस 2 कंप्लीट हो गया, इस 2 कंप्लीट हो गया, इस थर्ड नंबर का क्या है, इस 2 का कितना रूट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखना चाहिए 2 to the power 4। उसके बाद क्या लिखना चाहिए, 4 3 root 3 2 1 2 3 कंप्लीट हो गया, 4 नंबर इस 2 का, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 3, तो क्या यहाँ पर क्या है, 6 5 4 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 square, यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 1, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखो 2 to the power 1/64, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 1/32, 2 to the power 5 मतलब 32 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 1/16, यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 1/8, यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 2 to the power 1/2। तो बेस सेम है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए, उस टाइम प्लस कर दो, पावर को प्लस कर दो, 1/64 + 1/32 + 1/16 + 1/8 + 1/4 + 1/2। उसके बाद क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर एलसीएम करो, एलसीएम करो, कितना होगा, 64 ही होगा। देखो 64 को 32 से डिवाइड, 64 को 16 से डिवाइड होगा, 64 को 8 से डिवाइड होगा, 64 को 4 से डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा, तो मैक्स नंबर कितना है, 64, इसलिए तुम्हारा 64 ही हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर कितना होगा, 1/32 से डिवाइड करो तो 2 मिलेगा, 2 × यहाँ पर होगा 2 होगा, 16 × 4 = 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 8 × 8 = 64, मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 4 × 16 = मतलब यहाँ पर 16 होगा, और 2 × 32 = 64। उसके बाद इसको ऐड कर दो, तो ऐड करने से कितना मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 63, और यहाँ पर कितना है, 64, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस ट्रिक्स, इफ यू लाइक दिस ट्रिक्स, सो प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप फॉलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।